हाँ जी बाबा, ये रावण के तरह जो माना एक के बाद एक सवाल उठते जा रहे हैं और बाबा के जवाब देते ही जा रहे हैं, लेकिन वह अंतिम सवाल किसका होगा जिसका बाबा का अंतिम जवाब होगा? जवाब सवाल का कोई अंत नहीं होने वाला है, इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं वाद विवाद में पढ़ना नहीं है। फिर भी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, सवाल पैदा होता है तो जवाब तो दिए जाते हैं। ये सवाल जवाब तब तक होते रहेंगे जब तक रावण की नाभि में बाण नहीं लगेगा। नाभि में 16,000 नसें नाड़ियों का सम्मेलन है, तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। एक ही रानी मक्खी निकलने से चारों ओर वातावरण में सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन उसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो पार्ट प्रत्यक्ष होगा और खेल क्लास हो जाएगा। और तब तक देह के लिए चाहिए चाहिए है बाबा ने कहा जो साकार परम धाम में जाने से ही एकदम शरीर का चाहिए तो खत्म नहीं होगा, वहाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा ना, तो क्या वहाँ भी भक्ति मार्ग होगा? परम धाम में भी भूख प्यास लगती है क्या? है भूख प्यास देह को लगती है या आत्मा को लगती है? है देह को लगती है। जो देह अभिमानी होंगे वो परम धाम में पहुंच सकेंगे? जिन्हें देह की चिंता है हमारा पेट कैसे बढ़ेगा, धंधा दोरी छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? धंधा दोरी चलाने के लिए मित्र संबंधियों से संपर्क संबंध रखना जरूरी है, इनको छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? अब परमधाम में अकेले अकेले जाएंगे कि मित्र संबंधियों के साथ जाएंगे? है अकेले अकेले जाएंगे। और महात्मा गांधी का जन्मभूमि है, अंग्रेजों की विरुद्ध गुरु ने सत्याग्रह संग्राम का आरंभ किया था, पर उनके साथ अनेक लोग जुड़े गए थे, उसमें से कुछ पंतप्रधान भी बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई बड़े बड़े अधिकारी भी बने, और जो भी आज कलयुग के अंत में है तो उनको आज पेंशन भी मिल रहा है, तो ये बेहद भी इसका क्या मिल रहा है? बेहद के गांधी है, वहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है उनके बाल बच्चों में, जिन्होंने तन मन धन लगाया गांधी जी को दिया, वो आज ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं। कुछ प्राप्ति तो होनी चाहिए ना, तो जैसे हद के गांधी के लिए है वैसे बेहद के गांधी के लिए। और ये बात उनके लिए ही नहीं है, बेहद के बापू और बेहद के बापू के बच्चों के लिए भी है। जो करेगा सो पावेगा जरूर। और आसाराम बाबा के बारे में कार्यक्रम में सारी चर्चा रहती है, किसके बारे में? आसाराम बारे के बारे में क्या बात है? जनता की शक्ति है भक्ति मार्ग के लिए, पुण्य के लिए, और
के खाने के लिए ऐसे काम आते हैं तो भक्ति मानस नहीं चल रहे हैं। आसाराम बाबा के कार्य में भक्ति मानस नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए आगे के लिए क्या सबूत है, आगे के लिए क्या सबूत है उनके लिए, उनकी भलाई कैसी होगी, उनकी भलाई कैसे होगी। जो हुजूम होता है वो प्रजा वर्ग में जाता है या राजवर्ग में जाता है, तो भक्ति मार्ग का पेशगीर बहुत भारी है, ये सब कहाँ जाने वाले हैं? ये सब प्रजा वर्ग में जाने वाले हैं या तो भक्त बनने वाले हैं। दुनिया में भक्तों की संख्या ज्यादा होगी या सूर्यवंशी प्रजा की संख्या ज्यादा होगी, भक्तों की संख्या ज्यादा होगी। और बाबा माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो उसकी एक पूरी धड़न होती है नाखून से लेके, वो करने वाला प्रकृति सारा कार्य करती है, प्रकृति में सब कुछ नुदा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव संस्कार, हरेक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता रहता है, अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है, और स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भ में बच्चा तैयार हो जाता है, तैयार होना शुरू होता है, ये वाइब्रेशन का कमाल है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ना है उसके वाइब्रेशन के आधार पर, उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर प्रकृति बच्चे का शरीर तैयार करती है। प्रकृति जड़ है, जड़ होने के बावजूद भी अपने कार्य में मुस्तैद है। आत्मा तो चैतन्य है, जड़ की रचना होने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है 4 महीने के बाद। तो ये सब बना हुआ बना ड्रामा है, इसे कोई बनाने वाला नहीं है। आत्मा में अपने अपने प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, ईश्वर की आत्मा ही क्यों न हो, जब संस्कार उदय होता है तो ईश्वर की आत्मा भी सृष्टि पर अपने आप उतरती है, कोई भेजने वाला नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट नुधा हुआ है। ईश्वर को मालूम होना चाहिए बाबा, ईश्वर को मालूम होना चाहिए। ईश्वर तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, उसे नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। ये तो बाबा वो मेन है ना, ये कौन नहीं जानता है कि ईश्वर मेन है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि जो सुप्रीम सोल है वो ही मैन है। तो बना बनाया ड्रामा क्यों लगा दिया? बना बनाया ड्रामा इसलिए है कि ईश्वर ने नहीं बनाया है, ईश्वर तो सिर्फ आकर के ड्रामा का ज्ञान देता है, बनाया किसी ने नहीं है, ना आत्माओं को बनाया, ना ईश्वर को बनाया, ना ड्रामा को बनाया, न प्रकृति को बनाया, इस सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि सृष्टि है, अनादि आत्माएं हैं, अनादि पार्ट हर आत्मा में नुदा हुआ है, ऑटोमेटिक है। और गर्भ में तो आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, गर्भ में आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? नहीं, गर्भ
गर्भ में प्रवेश करते ही, गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा सूक्ष्म शरीर से अपने पूर्व जन्म को याद करती है, वो भी पहले पूर्व जन्म को जो पिछला वाला है, ऐसे नहीं कि पिछले जितने भी जन्म लिए हैं उन सबको याद करती है। और बाबा शरीर छोड़ने के बाद में त्वरित आत्मा जन्म लेती है तुरंत, फिर ये रकम क्यों है बाबा? कोई दस दिन करते हैं कोई दस दिन करते हैं छुट्टी क्या करने के बाद में? नहीं, ये तो हिंदुओं में अलग करते हैं, मुसलमानों में अपना कुछ अलग करते हैं, अंग्रेजों में अलग करते हैं, यहूदियों में अलग करते हैं, बौद्धियों में कुछ अलग करते हैं, ये तो मनुष्यों की डाली हुई परंपराएं हैं, ये सब झूठी बातें हैं। भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा के ऊपर चलते रहते हैं। असली बात तो बाबा आकर के बताते हैं। और बाबा बच्चों को जन्म देकर पालना के निमित्त बनते हैं, परंतु उनके मृत्यु के निमित्त नहीं बनते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देकर पालना के निमित्त बनते हैं, लेकिन परंतु उनके मृत्यु के निमित्त नहीं बनते। मृत्यु के मृत्यु तो समय पर स्वतः ही आती है। ऐसा और कोई माँ बाप बच्चे का गला घोंट दे, पेट में ही बच्चियों को निकाल देते हैं? आजकल डॉक्टरों को पता लग जाता है ना कि बच्ची है कि बच्चा, बच्ची होती है तो बच्ची को चीड़ फाड़ करके निकलवा देते हैं। ये माँ बाप बच्चों का गला नहीं घोंटते, तो ये बात झूठी है कि सब माँ बाप पालना ही करते हैं जन्म देकर, जन्म भी नहीं देते पालना भी नहीं करते, पहले ही मार देते हैं। और मुद्दे में बोला है कि स्थूल शरीर की आयु गिनी जाती है, स्थूल शरीर की आयु गिनी जाती है, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर की आयु गिनी जाती है, सूक्ष्म शरीर की आयु नहीं। हाँ, फिर ब्रह्मा के लिए जो 100 साल की आयु बताई है तो वो 88-89 में 100 साल पूरे करते हैं। हाँ, ब्रह्मा की जो 100 साल की आयु बताई है वो 88-89 में पूरे करते हैं। 89 88-89 में 100 साल पूरे बताए ना। तो उसमें तो फिर शरीर तो कहाँ सूक्ष्म शरीर उनका पूरा हुआ? सूक्ष्म शरीर की आयु ऐड की है ना बाबा। बच्चा जन्म लेता है तो पहले का जो शरीर है स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर लगा रहता है वो दोनों शरीर की आयु खत्म हो जाती है, क्योंकि नया जन्म मिल गया। फिर भी जो शेषों काल का बच्चा है वो अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, उसको कोई रुलाता नहीं है, हंसाता नहीं है। इसे साबित होता है कि उसका सूक्ष्म शरीर है या नहीं है। पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है या नहीं जाता है? पूर्व जन्म की स्मृति में जाने के कारण ही हंसता है और रोता है। इससे साबित होता है कि भले बच्चे ने जन्म ले लिया, नया जन्म ले लिया, तो भी उसका सूक्ष्म शरीर बाद में काम करता रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी बल पीपल के पत्ते पर अपना कार्य कर रही है, गर्भ से बाहर भी आती है, लेकिन 600 काल होने के कारण वो अभी भी गुलजार दादी के तन में जा रही है। एक कृष्ण के लिए ही शास्त्रों में गायन है कि 10 महीने का गर्भ पूरा होने के बावजूद भी वो पैदा नहीं हुआ, लंबा टाइम लगा देता है। तो सूक्ष्म शरीर की आयु नहीं गिनी जाती है, सिर्फ कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया क्योंकि नया जन्म मिल गया।
तो शास्त्रों में दिखाया है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण बड़े आराम से गर्भ में लेटा हुआ है। और कोई भी गलती करने से या पाप करने से बाबा को लिखते हैं तो आधा याद करने से यानी ये हो जाता है। आधा याद करने से नहीं, बाबा को लिख करके देने से आधा माफ हो जाता है। और याद करने से आधा माफ होता है? याद करने से आधा माफ नहीं होता, याद करने से पूरा भी माफ हो सकता है। बाबा को याद करने से पूरा भी माफ हो सकता है। जैसे कि आठ हैं अष्टदेव, वो याद से ही सारा माफ कर लेते हैं। दूसरी बार गलती करता है तो परसेंटेज कम हो जाएगा आधा का, और तीसरी बार या चौथी तो और भी परसेंटेज कम हो जाएगा। जितनी बार पोता मेल लिख करके देता रहेगा, बार बार पोता मेल लिख करके देता रहेगा, तो एक बार माफ, दो बार माफ, लेकिन फिर तीसरी बार माफ नहीं होता है, उसका परसेंटेज गिर जाता है। ऐसे नहीं बार बार आधा माफ होता रहेगा। और लेकिन अंत में ऐसी ऐसी गलती करता है तो गलती करने के बाद उसका प्रायश्चित क्या होता है? वो फिर जैसे कसाई होते हैं, बार बार कसाई घराने में ही जन्म होता रहता है और उनकी बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि गाय को काटना कोई पाप कर्म है। किसी कसाई के बच्चे से पूछो, तुम्हारे घर में ये धंधा होता है, ये धंधा पाप है या पुण्य है, तो उसकी बुद्धि में आवेगा नहीं आवेगा? तो जन्म जन्मांतर का पद निश्चित हो जाता है। कोई ऐसे भी तो 500-700 करोड़ की सृष्टि में होंगे जो भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में आदि से लेकर अंत तक चांडाल कुल में ही जन्म लेते रहते हैं। गांठ बांध रखी है उन्होंने संगम युग में कि हमें सुधरना ही नहीं है। अरे बता तो दिया, एक बार लिख करके दिया माफ हो गया आधा, दूसरी बार लिख करके दिया वो भी माफ हो गया। अब बार बार वो ही गलती करते रहेंगे और बार बार माफ होता रहेगा। और लिखने से पाप पूरा करता है कि बाबा आपको डायरेक्ट बताने से पाप? चिट्ठी लिखना अलग बात, पोता मेल लिख करके देना अलग बात। चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा अभी जिंदा है। चिट्ठी भी नहीं लिखते, ईमेल भी नहीं देते, कोई फोन भी नहीं आता, तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा मर गया होगा। और बच्चे बाबा आने के बाद में आते हैं ना, हम तो चिट्ठी नहीं लिखती, बाबा से मिलते तो है ना? अरे जब मिलते हैं तो चिट्ठी लिखने की क्या दरकार? मिले हुए को चिट्ठी लिखने की दरकार होती है या जो नहीं मिलते हैं उनको चिट्ठी लिखने की दरकार होती है? और वार्तालाप में बोला है कि प्रजापिता सारी दुनिया का पूर्वज है, प्रजापिता सारी दुनिया का पूर्वज है, खासकर बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है, खासकर बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है। बौद्ध धर्मियों का? हाँ, बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है। और दूसरे धर्म वालों का पूर्वज नहीं है? खासकर बोला है। खासकर ऐसी तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया का पूर्वज का मतलब हर धर्म का पूर्वज है, और वो अकेला पूर्वज नहीं है। जो भी अष्टमूर्तियां हैं, जो भी अष्टदेव हैं, वो सब दूसरे दूसरे धर्मों के पूर्वज हैं। और
अभाव ये तो बिना से दोस्त रोज खाए जैसा खाते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता। क्या करते मांस खाते हैं तो ये ऐसे भगवान ने क्यों ऐसे रोज मांस खाते उनको कोई पाप? भगवान ने क्या किया ऐसे क्यों बनाए? भगवान ने बनाया। अभी अभी तो आपने जवाब लिया भगवान नहीं बनाता। भगवान नहीं बनाता बाबा, लेकिन वो बच्चे तो है ना। बच्चे हैं तो किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे बने वो। अभी जो मांस खाना ही नहीं छोड़ पाते वो भगवान के बच्चे कहाँ से हो गए? 700-500 करोड़ दुनिया है, उसमें भगवान के बच्चे वो ही है जो अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। हाँ जी, ये ज्ञान के आधार से होगा। हाँ जी, जो बाप के बच्चे बने ही नहीं, जिन्होंने अपन को आत्मा समझा ही नहीं, जिनकी बुद्धि में ये न बैठता है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वो बाप के बच्चे कैसे हो गए? तो उनको क्या सजा मिली? उनको तो सारी जिंदगी सजा ही सजा है, क्योंकि जन्म ही उनके कम हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों में से भी जन्म हो जाते हैं। और इसी मार्ग में बताया है कि कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा के मुख से वेद निकल रहे थे, तब एक असुर ने चौथे वेद को ग्रहण कर लिया। बाद में उसी असुर ने अथर्व ऋषि के रूप में ब्राह्मण जन्म लेकर उस वेद के संकलन को संकलित कर महादेव को अर्पण किया, जिसे अथर्व वेद के रूप में महादेव ने मान्यता दी। तो इसकी शूटिंग कैसे बाबा की चौथा वेद? ये शास्त्रों की बातें हैं, ये शास्त्रों का भूसा है, यह मुरली का महावाक्य है या अव्यक्त वाणी का महावाक्य है? भगवान आकर के शास्त्रों का सार सुनाते हैं, तो बाकी सब क्या है? है? भूसा है। तो आप कहाँ से ये भूसा उठा के लाए? ये मुरली में कहीं आया? मुरली में तो आया नहीं। लेकिन बाबा चारों वेदों के बारे में बोलते हैं ना? चार वेद हैं, वो तो चैतन्य हैं। चार जो सनत कुमार हैं वो ही चार वेद हैं। ब्रह्मा के मुख से पहले पहले क्या निकले? वेदवाणी निकली, तो वो निकले वो तो ठीक, लेकिन फिर असुर ने ऐसा किया वैसा हुआ, ये सब शास्त्रों का भूसा है। हमको क्या चीज उठानी है? जो मुरली में बोला है वो उठाना है, अव्यक्तवाणी में बोला है वो उठाना है, या उसका जो अर्थ निकलता है वो उठाना है? कि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ उठाना है? शास्त्रों में जो सब कुछ लिखा है एक व्यक्ति ने लिखा है या अनेकों ने लिखा है? अनेकों ने लिखा है। और धन के कारण लंका की सारी स्थिति तमो कदान हो गई है। धन के कारण लंका की सारी समाज की तमो कदान का स्थिति हो गई, तो लंका के द्वारा सदियों में सुख और शांति कैसे होगी? क्या लंका? क्या धन के कारण लंका के सारे समाज में तमो कदान स्थिति हो गई थी, तो फिर धन के द्वारा सदियों में सुख और शांति कैसे होगी? धन के कारण, कौन से धन के कारण सुख शांति होती है? ज्ञान धन से सुख शांति होती है या स्थूल धन से सुख शांति होती है? ठीक। और बाबा शंकर को पवित्र कहा है, वह विष पीने वाला नहीं है। है? मैं बोला है कि शंकर को पवित्र कहा है, वह विष पीने वाला नहीं है। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, जो सूक्ष्म वतनवासी होते हैं वो फरिश्ते होते हैं या विकारी होते हैं? हैं? फरिश्ते होते हैं। और सूक्ष्म वतन कोई ऊपर अलग चीज नहीं है, जो मन बुद्धि की ऊंची स्टेज है वही सूक्ष्म वतन है। तो ऊंची स्टेज में रहना माना पवित्र बुद्धि है, मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में जाने वाली बुद्धि है। जो मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में जाने वाला है
वो विषयी आत्माओं का विष पीता है या शिव बाबा पीता है? पीने वाली आत्मा कौन है? विकारों का विष पीने वाला कौन है? कोई देव आत्मा है या स्वयं भगवान है? स्वयं भगवान पीता है। और किसकी सर्विस करने से? दूसरों की सर्विस करने से। दूसरों की है? दूसरों की सर्विस करने से खुद की सर्विस हो जाती है, ये बात ठीक है। हाँ, दूसरों को वाइब्रेशन देने से की आत्मा पवित्र हो जाती है। ठीक है, दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो सेवा करने वालों को बाबा याद करता है। जिनको बाबा याद करता है उनको याद की ज्यादा ताकत मिलेगी या दूसरे लोग याद करते हैं उनको याद की ताकत ज्यादा मिलेगी? हैं? ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जिनको बाबा खुद याद करता है तो उन आत्माओं को सेवा का फल जरूर मिलता है। देखना सिर्फ यह है कि हम सेवा करते हैं या डिसर्विस करते हैं। कहीं बाबा की बदनामी करने वाला कोई काम तो नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा ने यह तो बता दिया किसी की छुपी नहीं रहेगी। कोई कितना भी अभी छुपाता रहे लेकिन अंत में सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब मना तो से ले तू ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जो दिल पर चढ़ते हैं? एक के बन के रहे सौ जो हैं मन के, वो तो और धर्म से कनेक्टेड हैं और आठ सूर्यवंश से कनेक्टेड हैं। तो सौ तेले नाम आता है। और हैं सौ तेले होकर भी सिर पर चढ़ते हैं, सिर पर चढ़ते हैं, सुधर जाएंगे तो दिल पर चढ़ेंगे। जो सौ मणके हैं माला के आठ के अलावा, वो बाद में सुधरेंगे या पहले ही सुधर जाते हैं? जब सुधरेंगे तो दिल पर चढ़ेंगे। और रामायण में दो पार्ट बताए गए चिरंजीवी के, रामायण में दो पार्ट बताए गए हैं चिरंजीवी के, एक है हनुमान और दूसरा है जामवंत। है जामवंत है चिरंजीवी का कैसे चाहिए? क्या कहते हैं? चिरंजीवी। चिरंजीवी हनुमान पार्ट किसका है? तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। और जामवंत जो पार्ट है, सारे शरीर में बाल ही बाल हैं, वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सिख धर्म से कनेक्टेड है। तो इससे साबित होता है कि सिख धर्म से कनेक्टेड भी कोई अष्टदेव है। जो सूर्यवंशी है पक्का, और जो सूर्यवंशी होते हैं कितने जन्म लेने वाले होते हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी कितने जन्म लेती है? 84 जन्म लेती है। इसलिए चिरंजीवी हैं, लंबा जीवन है इनका, पहले का भी लंबा जीवन और अंतिम का भी लंबा जीवन। तो बीच वालों का जीवन लंबा होगा या नहीं होगा? उनका तो होगा ही होगा। और पॉइंट है लक्ष्मी पवित्र कन्या है, अंधा फिर भी शादीशुदा है, उतनी पवित्र नहीं है।
फिर भी शादीशुदा है, उतनी पवित्र नहीं है। गंगा ने किसके साथ शादी की? अरे गंगा ने किसके साथ शादी की? शंकर के सर पर। शंकर के साथ शादी की है? शंकर के सर पर चढ़ी हुई है जो गंगा, वो बच्ची के रूप में बैठी हुई है या शादी की हुई है? बच्ची है। जो बच्चे ज्यादा सर्विसेबल होते हैं उनको माँ बाप सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। जैसे आठ हैं, आठ भी शंकर के कहाँ बैठे हुए हैं? सर पर बैठे हुए हैं। तो आठ बच्चों की भी क्वालिटी है, उनमें गंगा की भी एक क्वालिटी विशेष है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि गंगा शादी की हुई है। अगर शादी भी कही हुई है शास्त्रों में, किसी ने दिखा दिया है, तो नाम क्या दिया है जिसके साथ शादी हुई है? हैं? ना? अरे आठ वसु पैदा हुए ना, उनमें भीष्म पितामह अंतिम पुत्र पैदा हुआ, बाकी को गंगा ने नदी में बहा दिया। तो किसके पुत्र थे वो? हैं? शंकर के पुत्र थे। शांतनु माने कोई ऐसा पार्टधारी भी है संगम युग में जिसको शांतनु, शादियों पे शादी कराए चले जा रहे हैं, शांति उनको मिलती नहीं है। वो कौन सा पार्ट है? जो आदि से अंत तक देखने में आता है कि बेहद का गृहस्थी है, हद की गृहस्थी नहीं है। जो हद की गृहस्थी वाले होते हैं उनको एक रानी होगी, दो रानी होंगी, चार रानी होंगी। निजाम बादशाह को 500 रानियां थी, लेकिन उसको कितनी रानियां दिखाई हैं? 16108 रानियां भी दिखाते हैं। तो शांति नहीं है, अंत तक अशांति है। इसलिए नाम रख दिया शास्त्रों में शांतनु। और नारियल को श्रीफल भी कहते हैं? नारियल को श्रीफल कहते हैं? नारियल को श्रीफल नहीं कहते हैं, बेल को कहते हैं श्रीफल। नारियल को श्रीफल कहते हैं? नहीं, आपने गलत सुन लिया। जो तीन पत्तों वाला वृक्ष है जिसके तीन पत्ते शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, वो तीन पत्ते कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उन तीन पत्तों वाले वृक्ष से जो फल पैदा होता है वो है श्रीफल। श्री माने श्रेष्ठ है। वो कौन सा श्रेष्ठ फल है? जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर इन तीनों पार्ट के डिक्लेयर होने के बाद संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, पेट को दुरुस्त बनाता है। क्या पेट को बहुत फायदेमंद फल है, उसको कहते हैं बेल, बिल्वपा पत्र कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जब पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो लास्ट में वो पार्ट भी प्रत्यक्ष हो जाता है जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी नारियल नहीं है, रियल है या नारियल है? वो तो रियल है, नारियल फिर कौन है? है ऐसा नारियल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। रियल पार्ट है या नारियल पार्ट है?
है, नारियल पार्ट है। जो पार्ट देखने सुनने में आता है वो पार्ट नहीं है। इसलिए तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। नारियल का फल ऐसा है जो पेड़ बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ऊंची स्टेज में चला जाता है, तब उसके फल लगते हैं। तीन आंखें होती हैं उसको। तो कौन सा देवता है जिसको तीन आंखें होती हैं चैतन्य में? शंकर ही है। तीन आंखें जो होती हैं, वो तीन आंखों वाला फल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? हैं? शिव के ऊपर भी चढ़ाया जाता है और देवी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। जहां जहां देवी के मंदिर हैं, वहां नारियल फोड़ते हैं और फिर देवी पर अर्पण करते हैं। अहंकार की वजह से तोड़ा जाता है? हाँ जी, वो है ही अहमदाबादी। क्या सबको झुकाने के बाद फिर अर्पण हो जाता है? और चंदन का क्या महत्व है? है जो बड़े बड़े लोग मरते हैं तो उनको जलाते हैं, चंदन का क्या महत्व है? है, बड़े आदमी वो हैं जो अच्छा काम करके जाते हैं, उनको बड़ा आदमी कहा जाता है। जैसे गांधी जी ने शरीर छोड़ा तो बड़े आदमी थे, इसलिए उनको चंदन की लकड़ियों में जलाया गया। चंदन की लकड़ी का मतलब ही है खुशबूदार लकड़ी, खुशबू देने वाली लकड़ी। बड़े आदमी उनको ही कहा जाता है जो अच्छा काम करते हैं। अच्छे कर्मों की खुशबू फैलती है संसार में, तब उनको बड़ा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भगवान को भी लगाते हैं क्या? जिसका चंदन, वो तो सबको लगाते हैं। जितने भक्त हैं अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं तो सब भगवान हो गए क्या? और बाबा, बाप अन्य बच्चों को बच्चा बच्चा कहते हैं है? बाबा बच्चों से बात करते हैं तो बच्चा बच्चा कहते हैं, लेकिन माया को ही बेटी क्यों कहा है, बच्चा नहीं कहा? अरे शिव के जो बच्चे होते हैं कि बच्चियां भी होती हैं? है, बच्चा जो होता है वो बाप का होता है और बच्चियां अम्मा की होती है। ब्रह्मा की सब क्या है? ब्रह्मा से जो जो पालना ले रहे हैं वो सब क्या है? बच्चियां हैं। और शिव बाबा के, शिव बाबा खुद रुद्र है, महारुद्र है, तो रुद्र के बच्चे भी रुद्रगण हैं। शिव बाबा का एक ही भी बच्चा स्त्री नहीं है, स्वभाव संस्कार से सब राजा बच्चे हैं। राजा में और रानी में क्या फर्क है? राजा स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता, और रानियां तो अधीन होती हैं। और जब घर में दबे रहेंगे तो ये मांस तो गल जाएगा, फिर कैसे आएगा? फल रखा जाता है फ्रीज में, तो सड़ा हुआ फल रखेंगे या सड़ना शुरू हो जाता है ऐसा फल रखेंगे तो वो सड़ेगा, या ताजा फल रखेंगे वो सड़ेगा? सड़ा हुआ सड़ जाएगा। जिन्होंने याद नहीं किया होगा वो सड़ेंगे, जिन्होंने पूरी याद की होगी, पाप कर्मों को दग्ध कर लिया, उनके सड़ने का क्या सवाल है? है सुदर्शन चक्र घुमाना है तो शूटिंग पीरियड में रावण का
अन्नम युग के शूटिंग पीरियड में रमण करना है या प्रौढ़ ड्रामा का रमण करना है? एक ही बात है, जो शूटिंग पीरियड में है चक्र, वही चक्र 5000 वर्ष में घूमता है। शूटिंग पीरियड है, गर्भ है, और 5000 वर्ष वृक्ष है। फाउंडेशन संगम युग है। संगम युग में जैसे जैसे संकल्प चलते हैं, जैसे जैसे संकल्पों की रील घूमती है, वैसे वैसे 5000 वर्षों की शूटिंग हो जाती है। इसलिए बोला है संगम युग मौजों का युग है। फिर मौजों को युग में कोई रोते तो नहीं है, दुखी तो नहीं होते हैं? दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। इसका मतलब जो भगवान ने आकर के ज्ञान दिया है उस ज्ञान में परिपूर्ण है या अपूर्ण है? है अपूर्ण है, इसलिए रोते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। नहीं तो ईश्वर का ज्ञान खुद को भी सुख देने वाला है, और वो ईश्वर का ज्ञान दूसरों को सुनाए तो दूसरे भी खुश रहे। ज्ञानी वो है जो खुद सुखी रहे, खुद शांत रहे, और संसर्ग संपर्क में आने वालों को भी सुखी और शांत दे। और हनुमान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। हनुमान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। धन तो नश्वर है, ऐसा क्यों है? क्या धन नश्वर है? हनुमान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। बुद्धिमान मूल्यवान जीवन, धनवान से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। मूल्यवान कौन है? धनवान से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ, मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। कौन सा मूल्यवान? अरे धनवान से आप किसको टैली कर रहे हैं? मूल्यवान जीवन कौन सा था? मूल्यवान वही है जो भगवान के धन को ग्रहण करता है, उसी को मूल्यवान कहेंगे। भगवान के धन की कदर नहीं की, भगवान आया और भगवान आकर के जो धन देता है उसकी कदर नहीं की, और धंधे दोरी में लगे हुए हैं पेट के धंधे में, तो बुद्ध रूपी पेट के धंधे में लगना चाहिए या स्थूल धंधे में लगना चाहिए? जो स्थूल धंधे में लगे हुए हैं वो उस धन की कदर करते हैं, तो उनसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? जो बाबा ने आके धन दिया है उस धन की कदर करना चाहिए। और बाबा खंड पॉइंट है, जनक जो सीता का बाप था उसको जीवन मुक्ति एक सेकंड में मिली, वो ही जनक फिर अनुजनक बना। अनुजनक माने क्या? बाद में अनुमाने जो अनुयायी हो उसको अनु, अनुयायी जो होता है पीछे पीछे चलता है या आगे आगे चलता है? अनुयायी माने पीछे पीछे चले, सो अनुयायी। तो अनुराधा कहे जरूर राधा के पीछे पीछे अनुराधा चली, जनक के पीछे पीछे अनुजनक। और संगम करो कि बाबा के बच्चे कोई कोई 90 साल के 100 साल के रहेंगे विनाश में, तो फिर बाबा से एक प्रश्न पूछती हूँ, उनको दांत रहेंगे क्या? जो 90 साल के 100 साल के शुरू करेंगे तो वो बर्फ में दबके रहेंगे तो उनको दांत रहेंगे? जो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं बचपन में, उनको पुराने दांत उखड़ते हैं कि नहीं और नए दांत आ जाते हैं? तो जब बचपन में ऐसा हो सकता है, बच्चे में बुरे संस्कार होते हैं
या अच्छे संस्कार होते हैं? अच्छे संस्कार, तो संस्कारों के ऊपर सारी बात है। जब सारे खराब संस्कार ही योग बल से भस्म हो गए तो बुड्ढा रह गया कि बच्चा हो गया? है, स्वभाव संस्कार से वो आत्मा बच्चा हो गई, इसलिए सब कुछ नया आता है, दांत भी नए आ जाएंगे। और भक्ति मार्ग में अक्षय तृतीय के दिन भरे हुए आदमी के नाम से मट्टी का घड़ा पूजा जाता है, पानी भरता है। भरे हुए व्यक्ति के नाम से मट्टी के घड़े में पानी भरकर पूजा जाता है। हाँ। पूजा होने के बाद में वो घड़ा ब्राह्मण को दान दिया जाता है। हाँ। इसकी छुट्टी की हफ्ते कैसे? अक्षय का मतलब क्या है? है? छह माने विनाश होना, अक्षय माने जिसका विनाश न हो। ऐसी तृतीया जिसका कभी विनाश न हो, उस अक्षय तृतीया में जो मरते हैं वहां तो शरीर से मरते हैं, और संगम युग में कैसे मरते हैं? देह अभिमान से मरते हैं। तो संगम युग में जो देह अभिमान से मरते हैं उनकी निशानी है कि उनका जो बुद्ध रूपी घड़ा है उस घड़े में पानी भरा जाता है। कौन सा पानी? ज्ञान जल भरा जाता है। वो ज्ञान जल है? जरूर किसी के अंडर दी कंट्रोल चलेगा कि मनमाने तरीके से चलेगा? है? संगम युग में जिसका बुद्ध रूपी घड़ा भरा हुआ होगा वो भगवान के अंडर में चलेगा या मनमाने तरीके से चलेगा? है? भगवान के अंडर में चलेगा ना। और भगवान बिंदी को मानेगा या किसी साकार को मानेगा? जो साकार है वो ही महाब्राह्मण है। वो महाब्राह्मण होते हैं ना, बाबा भी कहते हैं मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ जो तुम्हारा पुरानापन लेता हूँ, कखपन लेता हूँ और तुम्हें सब कुछ नया देता हूँ। तो इस समय की यादगार है। और हाँ, माया तुम पर टैक्स लगाती है। माया क्या लगाती? टैक्स लगाती, टैक्स टैक्स लगाती है। माया? हाँ, माया कर लगाती है। माया कौन सा कर लगाती है? सरकार तो टैक्स लगाती, कर लगाती है टैक्स वगैरह। माया टैक्स कौन सा लगाती है? हाँ, विकार कोई टैक्स है? ये टैक्स है? ये क्या बात हुई? है बाबा, जो बिल गेट्स है ना बाबा, है बिल गेट्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में बुद्धिमान, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में जिनको बुद्धिमान माना जाता है, डॉक्टरों की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में बाबा, उनकी बुद्धि में विनाश आ रहा है। उनकी बुद्धि में विनाश आया हुआ है, माना वो दक्षिण ध्रुव पर अरबों डॉलर खर्चा करके बीज इकट्ठा कर रहे हैं। दक्षिण ध्रुव पर बीज, लाखों बीजों को इकट्ठा करके रखा है उन्होंने। दक्षिण ध्रुव? हाँ, अरबों रुपए खर्चा करके। दक्षिण ध्रुव में बर्फ के पहाड़ हैं, वहाँ तो कोई जीव जंतु भी नहीं है, फिर भी उसी पहाड़ों में उन्होंने ऐसे तिजोरियां जैसे बना के रखे हैं। और एटम बम फटने वाले हैं, और ओजोन किरण भी फट रही है, तो वो बर्फ के पहाड़ फट पड़ेंगे तो वो बीज सुरक्षित रह पाएंगे? उनके बुद्धि में ये आया है कि ऐसे बनाए कि कितना भी विनाश हो जाए लेकिन ये बीज वैसे ही सुरक्षित, तो वो पहाड़ सुरक्षित रहेंगे? जब पहाड़ ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बीज कहाँ से सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं,
ये शास्त्रों से ये बातें उठाई हैं, शास्त्रों से बातें उठा करके उन्होंने एटम बम तैयार कर लिए। वास्तव में बातें यहाँ की हैं। हम ऊंची स्टेज में जाएंगे तो दुनिया की जो चुनी हुई आत्माएं हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं हर धर्म की, वो हर धर्म की आत्माएं ऊंची स्टेज में पहुंचेंगी। जैसे ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसी ऊंची स्टेज में जब हम पहुंचेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, दुनिया के विनाश का असर उनके ऊपर नहीं होगा। बाकी उन बीजों की बात नहीं है, जो बीज वो इकट्ठे कर रहे हैं। बाबा, ये विनाश में ये जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये पहाड़ियाँ तो गिर जाएगी ना, तो फिर बाद में अपने अभी आंखों से दिख रहे तो फिर वो कैसी वैसी हो जाती है? वो पहाड़ी और कैसी जैसी की वैसी हो जाती, जैसी की वैसी हो जाती है? ये क्या बड़ी बात हो गई? आप जहाँ से आए हैं, आप कहीं से आए हैं कि नहीं? आप जहाँ से आए हैं आप वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे, ये कैसे हो जाता है? ये तो चैतन्य है ना? ये चैतन्य है। ऐसे वो पहाड़ियाँ भी भले जड़ हैं, तो जड़ का भी साइकिल है, एक एक अणु का भी साइकिल है, जहाँ से चलता है 5000 वर्ष के बाद उसको वहीं पहुँचना है। दुनिया की हर चीज, हर आत्मा, हर जड़ जंगम इस चक्र में बंधा हुआ है, इस चक्र में सबका अपना अपना पार्ट बंधा हुआ है। और राजधानी और प्रजा बनाने का भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में त्रुटि हुई है। राजधानी क्या? राजधानी और प्रजा बनाने का बीच, हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी फंसी हुई है। हाँ, प्रजा प्रजा अच्छे कर्म थोड़े ही करती है। प्रजा के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे कर्म करती है। प्रजा भी अगर अच्छे कर्म करे तो प्रजा वर्ग को भरी ढोनी पड़ती है राजा की, या राजा को कंट्रोल में चलाती है, हैं? भरी ढोनी पड़ती है। इसलिए प्रजा बनना ये कोई अच्छा कर्म नहीं है। और जाम माने राजा, जो जम के बैठता है गद्दी पे प्रजा के सामने। तो राजा जो है, सारे राज्य का जितना भी धन संपत्ति होती है, पैदाइश होती है, उसका आधे हिस्से में राजा और राजा का परिवार भोगता है, बाकी आधी धन संपत्ति में सारी प्रजा जिंदा रहती है, सारी प्रजा भोग भोगती है। तो ज्यादा सुखी कौन होगा? राज परिवार वाले ज्यादा सुखी होंगे या प्रजा परिवार के, प्रजा के लोग ज्यादा सुखी होंगे? राज परिवार ज्यादा सुखी होगा। इसलिए बोला आधा में जाम, आधा में रैयत, रैयत माने प्रजा। बाबा, एक झूठी में लगता ही है, चारों तरफ लगवाए फिर भी हर दिन दूर रहे। हाँ, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अभी भी ऐसी शूटिंग हो रही है क्या? किन के लिए गायन है? भक्तों के लिए गायन है, भक्तों के लिए गायन है या ज्ञानियों के लिए गायन है? है, भक्त आत्माएं जो हैं, वो अभी भी ज्ञान में आने के बाद दुनिया में चक्कर काट रही है उनकी बुद्धि, दुनिया वालों के तरफ भटक रहे हैं, और जिसे पकड़ना है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, तीर्थ यात्राएं करते हैं, चारों धाम करते हैं, जन्म जन्मांतर कभी क्रिश्चियन धर्म में गए तो गिरजाघर में चक्कर काटते हैं,
हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मंदिरों में चक्कर काटते हैं, सिखों में जन्म लिया तो गुरुद्वारे के चक्कर काटते हैं, मुसलमान बने तो मस्जिद के चक्कर काटते हैं, तो जन्म जन्मांतर चक्कर ही काटते रहे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी किसके नजदीक रहना है, किसके नजदीक रहने से हम ऊंच बनेंगे, ये बुद्धि में किसी को नहीं आता है। चलो वो तो भक्ति मार्ग है, वहां तो ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान दाता ही नहीं होता, और यहां तो ज्ञान दाता मिला हुआ है। ज्ञान दाता मिला हुआ होने के बावजूद भी जो आठ ज्ञानी आत्माएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सात चक्कर काट रहे हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी जिसके नजदीक पहुंचना है उससे दूर ही दूर बने रहे। दूर है कि नजदीक है, क्या कहेंगे हैं? अभी भी दूर है या नजदीक है? अभी भी क्या है? अभी भी दूर है। आठ के लिए गायन है कि आठ नजदीक पहुंच जाते हैं, खोपड़े पर समा जाते हैं, दिल में समा जाते हैं, और बाकी भले 108 के दाने हैं तो ये दाने नंबरवार दूर होंगे या सब एक जगह होंगे? सब एक जगह हो ही नहीं सकते।